दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी की दीवानी हुई विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, वहीं विराट कोहली की बल्लेबाजी पर भी उन्होंने बयान देते हुए कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और विराट कोहली और सूर्य पर अनुष्का का बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के साथ साथ उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी क्या बयान दिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड के मैच में रोहित, विराट और सूर्य में से कौन सबसे अधिक रन बनाएगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो 71 रनों से जीत हासिल करके टीम इंडिया ने यह बता दिया कि आखिरकार बॉस भारत ही है। भले ही जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया हो, लेकिन टीम इंडिया से पार पाना उनके बस की बात नहीं थी। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अद्भुत बल्लेबाजी की, उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि कुछ ताबड़तोड़ 4 छक्के जड़ दिए। एबी डिविलियर्स के अंदाज में लगाया गया एक छक्का इनका तो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। वहीं किंग कोहली ने भी इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आपको बता दें विराट कोहली ने भले ही 2 चौके के साथ इस मुकाबले में 26 रन बनाए हैं और इस 26 रन के साथ ही उन्होंने इस विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। वो ईश्वर कुमार यादव के केवल 25 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 61 रन ठोक दिए। अपनी पारी में सूर्या ने 6 चौके और 4 छक्के लगाकर गेंदबाजी में रविचंद्रन अश्विन के 3 विकेट के साथ कमाल की बदौलत भारतीय टीम ने मुकाबले को आसानी से अपने नाम कर लिया। अब इसी के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। जहां एक तरफ सूर्य का छक्का वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुष्का शर्मा का बयान वायरल हो रहा है। जी हां, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी पर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आपको होश उड़ जाएंगे। आपको बता दें अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि जिस कदर सूर्य ने बल्लेबाजी की उस पर मुझे अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जैसा छक्का लगाया सच में वैसा क्रिकेट में बहुत कमी देखने को मिलता है। विराट की फॉर्म में से मैं बेहद खुश हूं। इस वक्त पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। एक वक्त सबका ये मानना था कि अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन मुझे पता था वो कमबैक करेंगे और विराट ने किंग की तरह कमबैक किया। मुझे लगता है इस बार टीम इंडिया ही चैंपियन बनेगी। रोहित शर्मा ने अब तक अच्छी कप्तानी की और मुझे भरोसा है कि भारत इस बार चैंपियन बनकर ही भारत लौटेगा। टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी के साथ साथ जिस तरीके से अनुष्का शर्मा ने रोहित की कप्तानी पर भी अपने बयान दिए हैं, सच में उन्हें सुनकर आप भी उन्हें दिल से सलाम करोगे। दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी में इस साल टीम इंडिया दमदार खेल दिखा चुकी है। इस साल टीम इंडिया आसानी से चैंपियन बन सकती है। अब भारत बस 2 कदम दूर है। दोस्तों वैसे आपको क्या मानना है, रोहित की कप्तानी में भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।